Now next one, this is the most important session for you regarding malloc function or regarding dynamic memory allocations. Means abhi tak just theoretical concept ko ye is case mein just discuss karenge what is the actual working of malloc function or how to allocate in dynamic memory space using malloc function or how to perform dynamic memory allocations. यानी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म करने के लिए सी लैंग्वेज ने आपको टोटल 3 फंक्शंस प्रोवाइड किए हैं, मैलॉक, कैलॉक एंड डीएलॉक फंक्शन. इनमें से किसी भी एक फंक्शन का यूज करके आपके लिए जस्ट डायनेमिकली मेमोरी स्पेस एलोकेट करना पॉसिबल. मींस तीनों डिफरेंसेस क्या हैं, तीनों के वर्किंग क्या है, मैं सेपरेट सेशन में प्रोवाइड करूंगा. करंट सेशन में मैं डिस्कस करूंगा ओनली वर्किंग ऑफ मैलॉक फंक्शन सेम एज वर्किंग ऑफ फ्री फंक्शंस. जस्ट स्पेस को एलोकेट करने के लिए ऑलवेज आप यूज क्या करो, मैलॉक और कैलॉक और डीएलॉक. क्लियर, रियल लॉक डायरेक्टली यूज करना पॉसिबल नहीं था, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इसको मैं सेपरेटली डिस्कस करूंगा. सेम है डी एलोकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फंक्शन क्या, फ्री फंक्शन. ये सारे के सारे फंक्शन अवेलेबल है इनसाइड एलॉक डॉट एच हेडर फाइल्स. इसलिए जब भी आप इन फंक्शन को यूज करोगे ऑलवेज इंक्लूड क्या करेंगे, एलॉक डॉट एच हेडर फाइल. सबसे पहले मैं मैलॉक का कंप्लीट वर्किंग डिस्कस करूंगा, देन फाइनली इस एग्जाम्पल्स के थ्रू मैलॉक के इंटरनल प्रोसेस को फिनिश करें. क्लियर, इसे एक बार मैं थ्योरी फिनिश कर लूँ पहले, थ्योरी के बाद देन आपके लिए पर्टिकुलर गिवन एग्जांपल इजी वे में समझना पॉसिबल. जैसा कि मैंने प्रीवियस केसेस में डिस्कस किया था, मैलॉक के थ्रू मेमोरी स्पेस जस्ट ब्लॉक्स के फॉर्म में एलोकेट होता है, इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स. तो यहाँ ब्लॉक का मीनिंग क्या, जस्ट इसे एग्जाम्पल के थ्रू कवर करें. दूसरा मैंने आपको केस बताया था, अगर आप फ्लोट के केस में फ्लोट वैल्यू के लिए 4 बाइट्स एलोकेट कर देते हैं, उस केस में डेटा टाइप के केस में एलोकेशन टाइप क्या था, जस्ट स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन. फ्लोट वैल्यू के अंदर इंटीजर भी स्टोर करना पॉसिबल, कैरेक्टर भी स्टोर कराना पॉसिबल, लेकिन टोटल बाइट्स कितने, 4 बाइट्स, लेकिन एट ए टाइम ओनली सिंगल वैल्यू स्टोर कराना पॉसिबल. लेकिन जबकि मैलॉक के केस में मीन्स सेम प्लेस आपके लिए एज अ कैरेक्टर भी यूज करना पॉसिबल है, सेम प्लेस एज अ इंटीजर भी यूज करना पॉसिबल है, सेम प्लेस एज अ फ्लोट और सम अदर टाइप के लिए यूज करना पॉसिबल है. तो सारे केस में डिस्कस करूँ यूजिंग गिवन एग्जांपल्स. पहले एक बार जस्ट मैलॉक का प्रोसेस फिनिश करें. मैलॉक की बात करें, मैलॉक जस्ट लाइब्रेरी फंक्शन है. सिंपली एलॉक डॉट एच हेडर फाइल को इंक्लूड कराने के बाद आपके लिए मैलॉक फंक्शन कॉल करना पॉसिबल है. तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे रिटर्न टाइप प्रॉपर्टी एंड आर्ग्यूमेंट टाइप प्रॉपर्टी ऑफ मैलॉक फंक्शन. मैलॉक के केस में बात करें, मैलॉक इज अ लाइब्रेरी फंक्शन विच विल टेक्स वन आर्ग्यूमेंट. जब भी आप किसी भी प्लेस पर मैलॉक फंक्शन को कॉल करोगे, इसके अंदर आपको ओनली सिंगल आर्ग्यूमेंट पास करने की जरूरत होगी. सिंगल आर्ग्यूमेंट क्या हुआ, एज अ इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर. तो ये इंटीजर नंबर इटसेल्फ क्या है, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड बाइट्स. इस केस में आपको कितने बाइट्स रिक्वायर्ड हैं, इस केस में नंबर ऑफ रिक्वायर्ड बाइट्स अप्लाई करोगे एज अ आर्ग्यूमेंट. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने मैलॉक के केस में आर्ग्यूमेंट में पास किया ओनली वन, यानी इसके साथ मैलॉक फंक्शन इंटरनली हीप एरिया के अंदर कितने बाइट्स एलोकेट करेगा, जस्ट 1 बाइट. सेम है मैलॉक फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट में सप्लाई किया एज अ 2, यानी इसके साथ 2 भी क्या है, एज अ इंटीजर नंबर. तो इसके साथ कितने बाइट्स एलोकेट होंगे, 2 बाइट्स. सेम है अगर आपको 10 बाइट्स की रिक्वायरमेंट है, जस्ट सप्लाई क्या करोगे 10. अगर आपको 1000 बाइट्स की रिक्वायरमेंट है, मैलॉक के अंदर आर्ग्यूमेंट में पास क्या करोगे, जस्ट 1000. तो मीन्स मैलॉक के अंदर आर्ग्यूमेंट क्या है, जस्ट नंबर ऑफ रिजर्व्ड बाइट्स और नंबर ऑफ रिक्वायर्ड बाइट्स. इसके डेटा टाइप के रिगार्डिंग बात करें तो डेटा टाइप क्या है, जस्ट मीन्स आप जस्ट पास क्या करो, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड बाइट्स. तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड बाइट्स कभी नेगेटिव नंबर के फॉर्म में पास करना पॉसिबल, नॉट पॉसिबल. ऑलवेज नंबर कैसा होना चाहिए, शुड बी पॉजिटिव. बट सपोज दैट किसी पर्टिकुलर केस में अगर आपने नेगेटिव नंबर पास किया, तो नेगेटिव नंबर भी मैलॉक के अंदर इंटरनली कन्वर्ट किस में हो जाएगा, एज अ अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन. -1 का अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जस्ट 65535. क्लियर, कि जब भी आप कोई नेगेटिव वैल्यू पास करते हो इंटरनली ट्रीट क्या हो, एज अ पॉजिटिव इंटीजर. इस केस में अगर मैलॉक के केस में फाइनली बात करें, मीन्स पास क्या हो रहा है, इंटीजर नंबर प्लस इंटीजर नंबर किस टाइप का, साइंड और अनसाइंड, मीन्स पॉजिटिव नंबर रिक्वायर्ड, इसलिए इसका टाइप क्या है, जस्ट अनसाइंड इंट. लेकिन इस केस में अगर आप इसका डिक्लेरेशन चेक करोगे भाई, राइट क्लिक ऑन मैलॉक फंक्शन, जब भी आप मैलॉक फंक्शन को टाइप करके सी एडिटर में, टर्बो सी एडिटर में राइट क्लिक कर देना, इसका कंप्लीट डिक्लेरेशन आपको विजिबल हो जाएगा. लेकिन इसके डिक्लेरेशन में आर्ग्यूमेंट टाइप के प्लेस पर कभी भी आपको अनसाइंड इंट नहीं दिखा, इस प्लेस पर जस्ट आपको आर्ग्यूमेंट टाइप क्या मिलेगा, इसका साइज अंडरस्कोर टी. इस प्लेस पर क्या मिलेगा, साइज अंडरस्कोर टी स्पेस नंबर ऑफ रिक्वायर्ड बाइट्स लाइक दैट. दिस इज द डिक्लेरेशन आर्ग्यूमेंट टाइप ऑफ मैलॉक. इसके केस में जस्ट बात करें, साइज अंडरस्कोर टी कोई स्पेशल डेटा टाइप नहीं है, जस्ट इज सिंपली रीडिफाइन हुआ यूजिंग टाइप डेफ स्टेटमेंट. मीन्स अनसाइंड इंट का ही अल्टरनेटिव प्रोवाइड किया है यूजिंग टाइप डेफ. मीन्स साइज अंडरस्कोर टी क्रिएट किसके थ्रू, यूजिंग टाइप डेफ
जनरेट कैसे हुआ, अनसाइंड इंट प्लस इसका नेम क्या, साइज अंडर स्कोर टी। इन थ्रू आउट सी लैंग्वेज अगर आप कहीं भी आप साइज अंडर स्कोर टी यूज कर दो, साइज अंडर स्कोर टी के प्लेस पर भी जस्ट इसका टाइप लॉजिकली कंसिडर होगा एज अनसाइंड इंट। देयरफॉर दिस इज जस्ट लॉन्ग या लेंथी नेम को रिड्यूस करने के लिए जस्ट इसका अल्टरनेटिव नेम प्रोवाइड किया, साइज अंडर स्कोर टी, टी स्टैंड फॉर टाइप। क्लियर। नेक्स्ट वन, मैलॉक फंक्शन के किसमें जस्ट रिटर्न टाइप की बात करें, अगर आपने इस प्लेस पर पास किया जस्ट 10, तो मैलॉक के अंदर इंटरनली कितने बाइट्स एलोकेट होंगे, जस्ट 10 बाइट्स का एक ब्लॉक क्रिएट होगा। सपोज दैट इस ब्लॉक के अंदर नंबर ऑफ बाइट्स कितने, 10 बाइट्स, लाइक दैट। क्लियर। फर्स्ट बाइट का एड्रेस जस्ट 100 है, तो ये आपको रिटर्न क्या करेगा, बेस एड्रेस ऑफ एलोकेटेड ब्लॉक। मैलॉक से रिटर्न क्या हुआ, फाइनली एड्रेस। लेकिन अभी क्लियरली मिस इस ब्लॉक के एड्रेस को देखकर किसी के लिए भी ऑब्जर्व करना पॉसिबल है, एड्रेस किस टाइप का है, मिस कैरेक्टर टाइप, इंटीजर टाइप, फ्लोट टाइप। इसे इनिशियली एड्रेस किसी भी स्पेसिफिक टाइप से एसोसिएट नहीं होता है। इस मैलॉक जिस फंक्शन ने जिस पर्सन ने डिजाइन किया उस टाइम पर ऐसी कोई श्योरिटी नहीं थी कि फ्यूचर में मैलॉक के थ्रू ओनली कैरेक्टर के लिए स्पेस एलोकेट करना पॉसिबल है, इंटीजर के लिए स्पेस एलोकेट करना पॉसिबल। मिस ये क्या, जस्ट जेनरिक फंक्शन, जेनरिक मीन्स विच कैन रिटर्न एनी टाइप ऑफ एड्रेस। इस केस में मैलॉक फंक्शन के थ्रू किसी भी टाइप का एड्रेस रिटर्न कराना पॉसिबल है। जब भी आपको किसी भी टाइप का एड्रेस रिटर्न कराना है, अगर इस टाइप का कोई फंक्शन डिजाइन करना है, तो उसके साथ फंक्शन का रिटर्न टाइप का यूज करोगे। फॉर एग्जांपल, जिस पर्सन ने इसको डेवलप किया है उस पर्सन ने अगर इसका रिटर्न टाइप कैर स्टार यूज किया होता, देन उस केस में इस फंक्शन से ओनली कैरेक्टर टाइप का एड्रेस रिटर्न कराना पॉसिबल था। सिमिलरली अगर इस प्लेस पर इसका रिटर्न टाइप इंट स्टार होता, देन इस फंक्शन से ओनली इंटीजर टाइप का एड्रेस रिटर्न करना पॉसिबल है। इसलिए इसने पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक टाइप ना लेके इसका रिटर्न टाइप में यूज क्या किया, जस्ट वॉइड स्टार, स्टार के यूज किया, क्योंकि इसे रिटर्न किया हुआ एड्रेस। लेकिन वॉइड टाइप क्योंकि अगर किसी फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड स्टार है, मीन्स जेनरिक पॉइंटर, यानी इस फंक्शन से किसी भी टाइप का एड्रेस रिटर्न कराना पॉसिबल है। क्लियर। देन जब भी इस फंक्शन को कॉल करोगे, आप इसका एड्रेस किसी ने किसी पॉइंटर में असाइन कराओगे, लाइक दैट। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस प्लेस पर कॉल किया जस्ट मैलॉक सप्लाइड बाई 4 bytes, तो इसके साथ मैलॉक के थ्रू जस्ट मेमोरी एलोकेट करने वाले रिटर्न क्या करेगा, एड्रेस। और एड्रेस को किस में असाइन कराओगे, पॉइंटर में। पॉइंटर का टाइप क्या होना चाहिए वो डिपेंड करेगा इस 4 byte के ब्लॉक को किस पर्पज से यूज करना चाहते हो। अगर आप इंटीजर के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करना चाहते हो, तो इसका रिटर्न टाइप क्या लोगे, सॉरी पॉइंटर का टाइप क्या लोगे, जस्ट इंट। देन उस केस में अगर इंटीजर पॉइंटर में असाइन करोगे, पॉइंटर का टाइप अगर इंट स्टार है और फंक्शन का ऑलरेडी टाइप क्या है, रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड स्टार, तो दोनों टाइप में सेम है, डिफरेंट इस टाइप मिसमैच। तो इस केस में जस्ट रिक्वायर्ड क्या हुआ, टाइप कास्टिंग। इस टाइप कास्टिंग क्या रिक्वायर्ड, इसका रीजन समझो, कोई प्रीडिफाइंड सिंटेक्स नहीं है कि टाइप कास्टिंग करना कंपलसरी है। टाइप कास्टिंग इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि इसका रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड स्टार। और आप असाइनमेंट किसमें करें, अगर आप सपोज दैट इस पॉइंटर का टाइप मैंने यूज किया जाए वॉइड स्टार, पॉइंटर का भी टाइप क्या है, वॉइड स्टार, देन इस केस में आपको कभी भी टाइप कास्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि रिटर्न टाइप भी वॉइड स्टार है और पॉइंटर का भी टाइप क्या है, वॉइड स्टार। अगर आप वॉइड स्टार या वॉइड पॉइंटर के अलावा आप अगर कोई भी अदर पॉइंटर यूज कर दो, देन उस केस में टाइप कास्टिंग करना कंपलसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस केस में पॉइंटर किस टाइप का लेना चाहिए, डिपेंड करेगा इस ब्लॉक के अंदर आप किस टाइप का डेटा मैनेज करना चाहते हो। सपोज अगर आपको कैरेक्टर स्टोर कराना है, देन पॉइंटर का टाइप क्या लेंगे, जस्ट कैर स्टार। अगर आपको इंटीजर टाइप के वैल्यू स्टोर कराना है, उसके साथ पॉइंटर का टाइप क्या लोगे, इंट स्टार एंड सो ऑन। क्लियर। इस फाइनल केस में फर्स्ट केस, फर्स्ट पॉइंट रिटर्न टाइप का इसका वॉइड स्टार, इसलिए मैलॉक फंक्शन के थ्रू किसी भी टाइप का एड्रेस रिटर्न कराना पॉसिबल है। सेकंड वन, इट विल टेक्स वन आर्गुमेंट एज अ नंबर ऑफ रिक्वायर्ड बाइट्स। इस केस में आर्गुमेंट में आप सप्लाई किया करो ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। इस पॉजिटिव इंटीजर का जस्ट मीनिंग क्या होगा, नंबर ऑफ रिजर्व्ड बाइट्स और नंबर ऑफ एलोकेटेड बाइट्स। टाइप कास्टिंग कंपलसरी है, मैंडेट ऑप्शनल, डिपेंड करे आप किस टाइप के पॉइंटर में एड्रेस असाइन कराना चाहते हो। अगर आप वॉइड टाइप के पॉइंटर में एड्रेस असाइन कर रहे हैं, उसके साथ कभी भी टाइप कास्टिंग रिक्वायर्ड नहीं हुआ। वॉइड पॉइंटर के अलावा अगर आप किसी भी अदर टाइप के पॉइंटर में असाइनमेंट करोगे, देन ऑल रिक्वायर्ड क्या हुआ, टाइप कास्टिंग। क्लियर। नेक्स्ट वन, मैलॉक के फंक्शन, मैलॉक के थ्रू ऑलवेज स्पेस किस फॉर्म में एलोकेट हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक ऑफ बाइट्स। ब्लॉक ऑफ बाइट्स क्यों बोलेंगे, क्यों करंटली इस केस में इस पर्टिकुलर बाइट्स का पर्टिकुलर लोकेशन को किसी भी स्पेसिफिक डेटा टाइप के साथ एसोसिएट नहीं किया गया, इसको सिंपली करोगे कंसीडर करो एज अ ब्लॉक ऑफ बाइट्स। ब्लॉक ऑफ बाइट्स क्या बोले, जस्ट इस एग्जाम्पल के केस में आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, इस केस में टू पॉसिबल केस होंगे। वन मोर केस, मैलॉक फंक्शन के थ्रू मेमोरी स्पेस एलोकेट होगा ऑलवेज इनसाइड हीप एरिया। हीप एरिया के केस में टू पॉसिबल केस हैं, या तो हीप के अंदर नंबर ऑफ रिक्वायर्ड बाइट्स अवेलेबल होंगे या फिर अवेलेबल नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप उस
10,000 बाइट्स एलोकेट करना चाहते हो तो मैलॉक में पास क्या करो 10,000, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि हीप मेमोरी के अंदर 10,000 बाइट्स अवेलेबल होंगे ही होंगे। अगर 10,000 बाइट्स अवेलेबल हैं देन उस केस में रिजर्वड होने के जस्ट बाद रिटर्न क्या करेगा, बेस एड्रेस ऑफ एलोकेटेड ब्लॉक। बट सपोज दैट अगर हीप मेमोरी के अंदर रिक्वायर्ड स्पेस अवेलेबल नहीं है देन उस केस में मैलॉक फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, ऑलवेज नल एड्रेस और सिंपली नल, नल मीन्स जीरो। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, जब भी मैलॉक के थ्रू आप मेमोरी स्पेस एलोकेट कराओ आपको पता कैसे चलेगा ब्लॉक एलोकेट हुआ है कि नहीं हुआ है, टू पॉसिबिलिटी कैसे, या तो इससे पॉजिटिव एड्रेस रिटर्न हुआ या फिर नल। अगर नल रिटर्न हुआ है देन इसका मतलब क्या है, मीन्स मेमोरी इज ऑलरेडी फुल, अदरवाइज मेमोरी एलोकेशन विल बी परफॉर्म्ड सक्सेसफुली। दिस इज ऑल अबाउट कंप्लीट प्रोसेस ऑफ मैलॉक फंक्शंस। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि मैलॉक के केस में जब भी आप मेमोरी स्पेस एलोकेट कराओगे इस पर्टिकुलर प्रोसेस को डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्यों बोलते हैं। जस्ट मैंने आपको डिफरेंस बताया था, सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक बिहेवियर और स्टैटिक फंक्शनैलिटी एंड डायनेमिक फंक्शनैलिटी। मीन्स करंट केस में मेमोरी एलोकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपली स्टैटिक फंक्शनैलिटी और डायनेमिक फंक्शनैलिटी। क्लियर? सपोज दैट अगर किसी भी कोड के रिस्पेक्ट में अगर सभी ऑल सिचुएशन में सोर्स कोड देखकर आपको आपके लिए बिहेवियर ऑब्जर्व करना पॉसिबल है देन इस पर्टिकुलर सोर्स कोड का बिहेवियर कैसा हुआ, स्टैटिक बिहेवियर। अगर किसी सोर्स कोड को देखकर उसका बिहेवियर सभी सिचुएशन में ऑब्जर्व करना पॉसिबल नहीं या ऑल केसेस में ऑब्जर्व करना पॉसिबल नहीं देन इस कोड का बिहेवियर कैसा हुआ, सिंपली डायनेमिक बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट केस, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस आपके केस में, इस फर्स्ट केस में रिप्रेजेंट क्या करूँ, जस्ट स्टैटिक बिहेवियर ऑफ द फंक्शनैलिटी एंड डायनेमिक बिहेवियर ऑफ द फंक्शनैलिटी। मीन्स किस केस में स्टैटिक बिहेवियर कंसिडर करें, किस केस में डायनेमिक बिहेवियर। स्टैटिक का मीनिंग क्या है, जस्ट अगर सोर्स कोड के बेसिस पर फंक्शनैलिटीज ऑब्जर्व करना पॉसिबल है, कोड का आउटपुट ऑब्जर्व करना पॉसिबल है देन इस केस में कोड का टाइप क्या होगा, जस्ट स्टैटिक, और बिहेवियर कंसिडर करो एज ए लॉजिकली स्टैटिक। फॉर एग्जाम्पल मैंने सिंपली एक सी प्रोग्राम क्रिएट किया, इस प्रोग्राम के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेरेशन प्रोवाइड किया सिंपली इंट एक्स इक्वल्स टू 10, देन सिंपली प्रिंट एफ डिस्प्लेइंग वैल्यू ऑफ एक्स। सिंपल कोड है, कुछ भी आपके लिए इस केस में स्पेशल नहीं है, सिंपली आपको डिफ्रेंशिएट करना इस केस में, वाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक फंक्शनैलिटी और डायनेमिक फंक्शनैलिटी। अगर कोड का सोर्स कोड देखकर बिहेवियर ऑब्जर्व करना पॉसिबल देन स्टैटिक, इस कोड को देखकर बताना पॉसिबल आपके लिए इस कोड का आउटपुट क्या आएगा, ऑब्वियसली पॉसिबल है मीन इस कोड का वन टाइम एग्जीक्यूट करो, थाउजेंड टाइम एग्जीक्यूट करो, एवरी टाइम सेम आउटपुट जनरेट होगा, डिफरेंट डिफरेंट फिक्स्ड है, ऑलवेज इसका आउटपुट क्या प्रिंट होगा, जस्ट 10। मीन इस प्रोग्राम को आप कितनी बार भी एग्जीक्यूट कराओ बार बार, इसे एवरी टाइम एक्स का वैल्यू क्या प्रिंट होगा, इसे ऑलवेज 10। मीन इसका बिहेवियर कैसा हुआ, स्टैटिक और डायनेमिक, स्टैटिक, क्योंकि ना ही इसके बिहेवियर को चेंज करना पॉसिबल हो रहा है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, मीन एवरी टाइम सेम रिजल्ट जनरेट हो रहा है। दूसरा केस सोर्स कोड देखकर बताना पॉसिबल इसका आउटपुट क्या है। दूसरा केस डायनेमिक बिहेवियर के रिस्पेक्ट में, सपोज दैट मैंने एग्जाम्पल प्रोवाइड किया सिंपली वॉइड मैन, अगेन इस प्लेस पर मैंने फिर से वेरिएबल क्रिएट किया इंट एक्स एंड स्कैन एफ परसेंट डी, एफ स्मॉल परसेंट डी एड्रेस ऑफ एक्स एंड फाइनली डिस्प्लेइंग वैल्यू ऑफ एक्स, प्रिंट एफ परसेंट डी वैल्यू ऑफ एक्स। मीन्स इस केस में सोर्स कोड देखकर किसी भी पर्सन के लिए, आपके लिए, मेरे लिए बताना पॉसिबल होगा इस कोड का आउटपुट क्या आएगा, नेवर पॉसिबल, क्योंकि इसका आउटपुट कंप्लीटली डिपेंड करेगा आपने रन टाइम पर स्कैन एप के थ्रू कीबोर्ड से वैल्यू क्या एंटर किया। अगर सपोज दैट रन टाइम पर वैल्यू एंटर किया 10 और वैल्यू 10 एंटर किया स्कैन एप के केस में, आउटपुट क्या प्रिंट हुआ 10, और रन टाइम पर मैंने वैल्यू एंटर किया 20 देन आउटपुट में क्या प्रिंट हुआ सेकंड टाइम 20, अगर मैंने सेकंड टाइम मैंने एंटर किया 100 डिस्प्ले क्या हुआ 100। मीन से थ्री डिफरेंट डिफरेंट केस शो कर रहा हूँ। मीन इस केस में आउटपुट ऑब्जर्व करना पॉसिबल है क्या, सोर्स कोड देखकर नहीं, देन इसका बिहेवियर कैसे हुआ, स्टैटिक और डायनेमिक, डायनेमिक बिहेवियर। क्लियर? मीन्स मैं यहाँ एलोकेशन की बात नहीं कर रहा, जस्ट बात कर रहा हूँ अबाउट डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक फंक्शनैलिटी और डायनेमिक फंक्शनैलिटीज। क्लियर? स्टैटिक मीन सोर्स कोड के बेसिस पर अगर बिहेवियर ऑब्जर्व करना पॉसिबल है देन जस्ट स्टैटिक फंक्शनैलिटी, अगर सोर्स कोड के बेसिस पर सभी सिचुएशन में बिहेवियर ऑब्जर्व करना पॉसिबल या ऑल केसेस में बिहेवियर ऑब्जर्व करना पॉसिबल देन जस्ट बिहेवियर कंसीडर करो एज ए डायनेमिक, और करस्पॉन्डिंग लॉजिक और फंक्शनैलिटीज को कंसीडर करेंगे एज ए डायनेमिक फंक्शनैलिटीज। वन मोर केस, इस केस में सोर्स कोड को देखकर आपके लिए बिहेवियर भी ऑब्जर्व करना पॉसिबल था प्लस
डिफरेंट डिफरेंट एग्जीक्यूशन में इसका आउटपुट चेंज करना पॉसिबल नॉट पॉसिबल। इस केस में आप वन टाइम एग्जीक्यूट अगर 10 टाइम एग्जीक्यूट कर दे तो 10 टाइम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज एंटर कराना पॉसिबल है, तो इसलिए आउटपुट भी 10 टाइम कैसा आएगा, एवरी टाइम सेम और डिफरेंट 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 मीन्स बार बार चेंज करना पॉसिबल है। सेम है जब मैं बात कर रहा हूँ स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। फॉर एग्जाम्पल इन दैट केस स्टैटिक के केस में बात करें, अगर मैं सिंपली राइट डाउन किया मीन्स करंटली मैं यूज क्या कर रहा हूँ 16 बिट सी कंपाइलर। अगर 16 बिट सी कंपाइलर की बात करें इस केस में सिंपली राइट डाउन किया इंट एक्स, इस केस में केवल सोर्स कोड देखकर आपके लिए बताना पॉसिबल है व्हाट इज द साइज ऑफ एक्स, मीन्स आपके लिए या मेरे लिए किसी भी पर्सन के लिए ईजिली बताना पॉसिबल है। एक्स का डेटा टाइप इंटीजर है इसलिए एक्स का साइज क्या है इसमें 2 bytes, मीन्स इसका नेचर कैसा हुआ स्टैटिक और डायनेमिक, सिंपली स्टैटिक क्योंकि सोर्स कोड के बेस पर फंक्शनैलिटीज का बिहेवियर ऑब्जर्व करना पॉसिबल। मैं यहाँ आउटपुट की बात नहीं कर रहा हूँ साइज प्रॉपर्टीज की बात करूँ, मीन साइज क्या इसका जस्ट 2 bytes। अब सेकेंड केस बात करता हूँ अबाउट टू डायनेमिक फंक्शनैलिटी, तो डायनेमिक के केस मैंने आपको बताया था डायनेमिक के केस में जस्ट यूज क्या करोगे मैलॉक फंक्शन। अगर इस केस में मैंने मैलॉक फंक्शन कॉल किया है पास किया मैंने 2 bytes, सोर्स कोड देखकर बताना पॉसिबल है कि नहीं इस केस में इस मैलॉक के थ्रू कितने bytes एलोकेट होंगे जस्ट 2 bytes, तो फिर इसका मीनिंग कैसा होगा स्टैटिक फंक्शनैलिटी और डायनेमिक फंक्शनैलिटी ऑलरेडी आपके लिए सोर्स कोड के बेसिस पर ऑब्जर्व करना पॉसिबल है हाउ मेनी bytes आर गोइंग टू एलोकेटेड बाई दिस मैलॉक कॉलिंग, मीन कितने bytes एलोकेट होने वाले हैं इस केस में जस्ट 2 bytes। तो करेंटली इसका बिहेवियर भी आपको कैसा लग रहा है लाइक है स्टैटिक और डायनेमिक, जस्ट स्टैटिक, लेकिन मैंने क्या बोला था मीन्स डायनेमिक के केसेस में बिहेवियर ऑब्जर्व करना पॉसिबल हो सकता है लेकिन सभी सिचुएशन में पॉसिबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल इस केस मैंने अभी डायरेक्टली 2 pass किया था, डायरेक्टली 2 pass न करके एक वेरिएबल क्रिएट किया इंटीजर n, देन n का वैल्यू मैं कीबोर्ड से अगर रीड कराता हूँ यूजिंग scanf फंक्शन एड्रेस ऑफ n, अभी n का वैल्यू बताना पॉसिबल है नॉट पॉसिबल, और मैलॉक के अंदर सप्लाई किया n, अब बताना पॉसिबल है इस केस में मैलॉक के थ्रू कितने bytes एलोकेट होने वाले हैं नॉट पॉसिबल। फर्स्ट केस में सोर्स कोड देखकर ऑब्जर्व करना पॉसिबल है कितने bytes एलोकेट होने वाले, लेकिन सेकंड केस में सोर्स कोड देखकर किसी के लिए भी बताना पॉसिबल नहीं है इस केस में कितने bytes एलोकेट होंगे, इसलिए इस पर्टिकुलर एलोकेशन का टाइप क्या है स्टैटिक और डायनेमिक, जस्ट डायनेमिक मीन्स अगर डिजाइन टाइम पर या सोर्स कोड के बेसिस पर नंबर ऑफ रिक्वायर्ड bytes ऑब्जर्व करना पॉसिबल सिंपली स्टैटिक मेमोरी एलोकेशंस। अगर सभी सिचुएशन में सोर्स कोड के बेसिस पर बिहेवियर ऑब्जर्व करना पॉसिबल नहीं है या एलोकेशन साइज कंप्लीटली रन टाइम पर डिसाइड करना पॉसिबल है तो इस टाइप के एलोकेशन का टाइप क्या होगा जस्ट डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। मीन्स इस केस में एन का वैल्यू कब एंटर होगा रन टाइम पर, अगर रन टाइम पर मैंने एक स्कैन ऐप के केस में एन का वैल्यू एंटर किया 10, देन मैलॉक के अंदर रन टाइम पर पास किया हो जस्ट 10, तो bytes भी कितने एलोकेट होंगे ऑल्सो 10। सेकेंड टाइम एग्जीक्यूशन कराया अगेन, सेकेंड टाइम मैंने एंटर किया 20, तो इस केस में एन का वैल्यू क्या पास होगा 20, तो मेमोरी के अंदर bytes भी कितने एलोकेट होंगे ऑल्सो 20 bytes। मीन्स इस केस में डिफरेंट डिफरेंट एग्जीक्यूशन में डिफरेंट डिफरेंट साइज प्रोवाइड करना पॉसिबल, इसलिए इस पर्टिकुलर प्रोसेस को आप लॉजिकली नेम दोगे एज अ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ये सेम कॉन्सेप्ट को मोर स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जस्ट मैंने एग्जाम्पल प्रोवाइड किया जिससे आप यू और स्ट्रॉन्गली इस कॉन्सेप्ट को समझना पॉसिबल हो। एग्जाम्पल थोड़ा सा लेंदी है लेकिन मैलॉक का इंटरनल प्रोसेस करने समझने के लिए आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, क्लियर। मीन्स इस केस में जस्ट मैंने आपको बताया था मैलॉक के केस में मेमोरी स्पेस किस फॉर्म में एलोकेट होता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक ऑफ bytes। तो यहाँ ब्लॉक ऑफ bytes का मीनिंग क्या है सिंपल कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट अगर आपके पास कोई फिजिकली एरिया अवेलेबल है मीन्स सपोज दैट कोई प्लॉट अवेलेबल है इसका साइज क्या है जस्ट 100x50 स्क्वायर फीट, इसको मैं जस्ट प्लॉट की बात कर रहा हूँ फिजिकल लैंड की बात कर रहा हूँ, इस लैंड के केस में इसका साइज क्या है 100x50, तो टोटल स्क्वायर फीट में इसका साइज क्या 100x50 मीन्स 5000 स्क्वायर फीट, साइज क्या हुआ इसका जस्ट 5000 स्क्वायर फीट। मीन्स सपोज दैट आपने एक बार ये लैंड परचेज कर लिया, अभी लैंड आपके लिए रिजर्व्ड है अनरिजर्व्ड जस्ट रिजर्व्ड, क्लियर। मैं इस कॉन्सेप्ट को इसलिए शो कर रहा हूँ क्योंकि इसके इसमें लैंड के अकॉर्डिंग सबको ऑलरेडी इसका मीनिंग क्लियर रहता है। इस सेम कॉन्सेप्ट में कंपेयर करूंगा प्रोसेस ऑफ मैलॉक फंक्शन देना आपके लिए बहुत अच्छे से समझना पॉसिबल हुआ। ये सिंपली अगर आपने एक बार कोई लैंड परचेज कर लिया उस लैंड का साइज क्या है जस्ट 5000 स्क्वायर फीट, क्लियर। देन इन फ्यूचर इस लैंड के अंदर आपके लिए
सिंपली कोई बिल्डिंग मीन्स इस प्लेस पर अगर बात करें सिंपली आप कोई मल्टी भी क्रिएट कर सकते हो, मल्टी भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो सेम एज सेम प्लेस पर आपके लिए प्लेग्राउंड भी क्रिएट करना प्लेग्राउंड भी कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल है। सेम प्लेस पर आपके लिए कोई शॉपिंग मॉल भी ओपन करना पॉसिबल इस टाइप से। इस सेम प्लेस को वाटर पार्क के रिस्पेक्ट में भी जस्ट वाटर पार्क भी क्रिएट करना पॉसिबल सम गार्डन और लाइक दैट मीन्स एक बार आपने प्लॉट परचेज कर लिया था ना इस केस में ऐसा कोई फिक्स्ड मीनिंग कि आपको नहीं इस प्लेस पर ऑलवेज बिल्डिंग ही बनाना पड़ेगा नहीं इस आप वाटर पार्क भी बना सकते हो जनरली गार्डन भी बना सकते हो प्लेग्राउंड भी बनाना पॉसिबल आपके लिए सेम है शॉपिंग मॉल भी बनाना पॉसिबल मीन्स ये किसी पर्टिकुलर टाइप से एसोसिएट हुआ है क्या नहीं मीन्स इसका स्ट्रिंगली किसी भी टाइप के साथ कोई बाउंडेड नहीं है। सेम एज मैलॉक फंक्शन मैलॉक फंक्शन के केस में सपोज दैट अगर आपने सिंपली सप्लाई किया जस्ट फोर मैं एक स्मॉल कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ जिससे आपके लिए ईजिली सुनना पॉसिबल हो तो मैलॉक का सिंपली वर्किंग क्या है आपके लिए सिंपली ब्लॉक ऑफ बाइट्स एलोकेट करके प्रोवाइड करना मीन्स इसका वर्किंग क्या सिंपली नंबर ऑफ रिजर्व्ड बाइट्स सॉरी रिक्वायर्ड बाइट्स का एक ब्लॉक क्रिएट करना एक बार ये ब्लॉक रिजर्व हो गया आपके लिए देन ये ब्लॉक आपके लिए किसी भी पर्पज से यूज करना पॉसिबल है किसी पर्पज से मीन्स सेम प्लेस पर आपके लिए फोर कैरेक्टर्स भी मैनेज करना पॉसिबल हो सकता है क्योंकि सिंगल कैरेक्टर कितने बाइट्स लेता है 1 bytes तो टोटल कितने बाइट्स हैं फोर कैरेक्टर्स भी स्टोर करा सकते हो। सेम एज इंटीजर की बात करें तो 4 byte में 16-bit सी कंपाइलर में इंटीजर का साइज करता है 2 byte तो 4 byte के अंदर कितने इंटीजर मैनेज करना पॉसिबल है 2 integer वैल्यू भी स्टोर करा सकते हो। सेम एज सेम प्लेस पर फ्लोट की बात करें तो सिंगल फ्लोट टाइप का वैल्यू भी स्टोर कराना पॉसिबल है। वन मोर केस एट ए टाइम इसे शॉपिंग मम्मी से 100x50 के लैंड में आपके लिए मीन सपोज दैट मीन्स आप कंप्लीट स्पेस में मीन्स कंप्लीट स्पेस एक साथ यूज करना चाहते हो सकता है आप कंप्लीट स्पेस में मल्टी क्रिएट कंस्ट्रक्ट कर रहे हो सकता है कंप्लीट स्पेस में प्लेग्राउंड कंस्ट्रक्ट कर रहे हो सकता है मॉल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं लेकिन ये सारे थिंग्स आपके लिए बनाना पॉसिबल नॉट पॉसिबल। अगर आप कंप्लीट स्पेस अगर आपको मॉल को कंप्लीट करने के लिए या फिर प्लेग्राउंड के रिस्पेक्ट में वाटर पार्क के रिस्पेक्ट में सेम साइज रिक्वायर्ड है 100x50 तो एट ए टाइम कोई एक ही टाइप आपके लिए या एक ही ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल सेम इन दैट केस अगर मैलॉक के थ्रू आपने मेमोरी स्पेस एलोकेट करा लिया तो एट ए टाइम या तो आप 4 characters मैनेज करोगे या 2 integers मैनेज करोगे या सिंगल फ्लोट वैल्यू मैनेज करोगे 1x1 मीन्स एक साथ सब कुछ मैनेज करना पॉसिबल नॉट पॉसिबल मीन्स एक बार आपने मल्टी कंस्ट्रक्ट कर लिया इन फ्यूचर आपको लगता है आपको इस प्लेस पर प्लेग्राउंड बनाना है तो मल्टी को जस्ट डिस्ट्रॉय करके आपके लिए प्लेग्राउंड अगेन कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल। सेम एज आपने पहले इस प्लेस पर सेम 4 bytes में पहले 4 characters मैनेज करा लिए इन फ्यूचर आपको लगता है सेम प्लेस पर आपको इंटीजर स्टोर कराने नीड है देन सेम कैरेक्टर से इंटीजर से रिप्लेस कराना पॉसिबल है। दिस इज द सिंपल प्रोसेस ऑफ मैलॉक फंक्शन मीन्स मैलॉक में कभी भी कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है मोस्टली आप इसमें कन्फ्यूज होते हो जबकि मैलॉक सबसे ईजिएस्ट वे है इसे सिंपल मैनर में आपको ब्लॉक ऑफ बाइट प्रोवाइड करेगा देन इन बाइट्स में आपके लिए किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कराना पॉसिबल मीन्स अगर आपको पॉइंटर्स और एरे के बेसिक प्रॉपर्टीज क्लियर हैं देन मैलॉक फंक्शन आपके लिए ईजी वे में समझना पॉसिबल है क्योंकि मैलॉक के केस में मेमोरी स्पेस आप एक्सेस कैसे करोगे इस केस में कभी भी कोई वेरिएबल नेम नहीं होता ना ही कोई ब्लॉक नेम होता है एक्सेस कैसे करो यूजिंग एड्रेस और एड्रेस के रिस्पेक्ट में आपको ऑलवेज रिक्वायर्ड क्या होता है एरे और पॉइंटर्स मीन मोस्टली एड्रेस को एक्सेस करने के लिए यूज क्या करते हैं पॉइंटर वेरिएबल लेकिन आपको पता होना चाहिए एरे एक्सप्रेशन को पॉइंटर में कन्वर्जन करना पॉसिबल है लाइक दैट। अगर आपके पास कोई एरे एक्सप्रेशन है तो इसका इक्विवेलेंट पॉइंटर कन्वर्जन पॉसिबल है कि नहीं पॉइंटर कन्वर्जन पॉसिबल होगा जस्ट लाइक दैट a ऑफ i इज इक्वलेंट टू स्टार ए प्लस आई। सिमिलरली अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन अवेलेबल है स्टार ए प्लस आई के फॉर्म में देन इसको कन्वर्ट किसमें कर सकते हैं a ऑफ i के फॉर्म इट इज इंटरचेंजेबल टू ईच अदर क्लियर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रिगार्डिंग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। देन फाइनली डिस्कस करेंगे व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ गिवन सोर्स कोड। इस केस में अगर बात करें प्रोग्राम के रिस्पेक्ट में मीन्स कंप्लीटली एक सिंगल कोड है सिंगल प्रोग्राम है देन टू कॉलम्स में जस्ट इसको डिवाइड किया है। इस केस में इस प्रोग्राम का आपके लिए आउटपुट इंपोर्टेंट किस नहीं इंपोर्टेंट किस क्या प्रोसेस तो 1x1 में सारे के सारे स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट करके बताऊंगा। फाइनली इस केस में इनिशियली टोटल 4 local variables क्रिएट हुए इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर्स। एक सिंगल पॉइंटर 16-bit सी कंपाइलर बाय डिफॉल्ट 2 bytes ऑक्यूपाई करेगा 4 pointers के रिस्पेक्ट में कितने bytes रिक्वायर होंगे 8 bytes प्लस अगर इन पॉइंटर्स की बात करें तो पॉइंटर्स है या लोकल वेरिएबल्स हैं क्रिएट कहाँ होंगे इनसाइड स्टैक एरिया। लेकिन सेकेंड केस में कॉल क्या हुआ मैलॉक मैलॉक के अंदर 4 pass हो रहा है तो मैलॉक के अंदर मैलॉक के थ्रू कितने bytes होंगे 4 bytes नो डाउट।
लेकिन मैलॉक फंक्शन के थ्रू ये एलोकेशन किस प्लेस पर होता है, इनसाइड हीप। तो फाइनली इस प्रोग्राम के थ्रू मेमोरी एलोकेशन टू सेपरेट प्लेसेस पर परफॉर्म हुआ, स्टैक एज वेल एज हीप। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को फिनिश करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में मैं हाईलाइट कर रहा हूँ जस्ट स्टैक डायग्राम। काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, ये सोच सकता है आपको लेंदी लगे, लेकिन इस एग्जाम्पल के थ्रू डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन प्रोसेस डेप्थ में समझना पॉसिबल। दिस इज स्टैक एरिया, नेक्स्ट वन दिस इज समथिंग हीप एरिया, मीन्स रिमेनिंग पार्ट को आप कंसिडर कर सकते हो एज अ हीप एरिया। मैं कोई लाइन ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट सेकेंड पार्ट इज लॉजिकली एज हीप। नेक्स्ट वन, इस प्लेस का मैं मेमोरी एड्रेस एज्यूम कर रहा हूँ एज अ 1000, देन व्हाट इज द एड्रेस ऑफ प्रीवियस प्लेस, समथिंग 998 99। एग्जैक्टली स्टैक के अकॉर्डिंग एड्रेस ले रहा हूँ जो मोस्टली डिस्प्ले होता है इन योर सिस्टम्स। सपोज स्पेस का एड्रेस क्या है, 65524, प्रीवियस प्लेस का एड्रेस क्या है 65522। ओनली एजम्पशन, नॉट अ एक्चुअल एड्रेस, 65520 65518 एंड सो ऑन, क्लियर। फर्स्ट केस, तो जैसे ही एग्जीक्यूशन कंट्रोल इस ब्लॉक के अंदर एंटर हुआ, इस केस में टोटली 4 पॉइंटर वैल्यूज क्रिएट किए, सीपी, आईपी, एफपी। सीपी स्टैंड फॉर कैरेक्टर पॉइंटर, आईपी स्टैंड फॉर इंटीजर पॉइंटर, एफपी स्टैंड फॉर फ्लोट पॉइंटर। सिमिलरली वीपी स्टैंड फॉर वॉइड पॉइंटर, कितने पॉइंटर्स क्रिएट हुए इस केस में, 4 पॉइंटर्स। सभी पॉइंटर्स का यूटिलाइजेशन वन बाई वन एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट केस, सबसे पहले क्रिएट किया हुआ सीपी, देन आईपी, देन एफ पी एंड फाइनली वी पी। देर आर 4 पॉइंटर्स आर क्रिएटेड इन साइड स्टैक एरिया। इसके जस्ट और फाइनली जब नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ रिगार्डिंग मैलॉक फंक्शन, मैलॉक फंक्शन का जस्ट बेसिक वर्किंग क्या होता था, एलोकेटिंग रिक्वायर्ड बाइट्स और ब्लॉक ऑफ बाइट्स इन साइड विच प्लेस, इन साइड हीप एरिया। तो हीप एरिया के किस में करेंटली कितनी बाइट्स का ब्लॉक एलोकेट हुआ, इस केस में साइज में पास कर किया डायरेक्टली 4। इस केस में डायरेक्टली आपके लिए सोर्स कोड देखकर भी बताना पॉसिबल है मैलॉक के थ्रू 4 बाइट्स एलोकेट हो रहे हैं, लेकिन अभी मैंने साइज स्टैटिकली प्रोवाइड किया, लेकिन रियल केस में आपके लिए डायनेमिक भी पास करना पॉसिबल है। या प्रोसेस एक्सप्लेन करने के लिए मैंने डायरेक्टली 4 बाइट पास किया, तो इस केस में कितने बाइट्स एलोकेट होंगे रन टाइम पर, एग्जैक्टली 4। लेकिन ये डिसीजन आप रन टाइम पर भी ले सकते थे बाई यूजिंग स्कैन एफ। 4 बाइट का एक ब्लॉक क्रिएट हुआ। नेक्स्ट वन, फर्स्ट बाइट का मैं एड्रेस एज्यूम करना है 100, एक एक बाइट के ब्लॉक्स हैं इसलिए एड्रेस में डिफरेंस कितने का, जस्ट 1 का, 103। मोस्ट इंपोर्टेंट केस, फर्स्ट केस, अरे सिर्फ ब्लॉक की बात करें, जैसे ब्लॉक का बेस एड्रेस क्या है 100, तो स्टार 100 फर्स्ट सिंगल बाइट का भी नेम हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको ऑलवेज एक्सप्लेन किया जब भी स्टार किसी एड्रेस के लिए अप्लाई करते हैं देन उस केस में स्टार से जस्ट रिप्रेजेंट क्या हुआ, वैल्यू ऑफ दैट लोकेशन। लेकिन अब क्वेश्चन है कि स्टार 100 इसके ब्लॉक का एड्रेस अगर 100 है तो इस ब्लॉक का नेम क्या हो सकता है, स्टार 100। स्टार 100 वन ब्लॉक का, वन बाइट का भी नेम हो सकता है, टू बाइट का भी नेम हो सकता है, फोर बाइट का भी नेम हो सकता है। मीन्स स्टार 100 कितने बाइट को रेफर करेगा, डिपेंड करेगा ये 100 और एड्रेस 100 किस टाइप के पॉइंटर में स्टोर है। अगर 100 कैरेक्टर पॉइंटर में स्टोर है देन स्टार 100 कितने बाइट को रेफर करेगा, जस्ट 1 बाइट। अगर 100 इंटीजर पॉइंटर में स्टोर है देन स्टार 100 कितने बाइट्स को रेफर करेगा, 2 बाइट्स। सेम इन केस ऑफ फ्लोट। फाइनली स्टार 100 के केस में जस्ट बेसिक मीनिंग एक्सप्लेन करने के लिए मैं राइट डाउन कर रहा हूं, इस 1 बाइट को आप नेम दे सकते हो स्टार 100, सेम एज इस 2 बाइट के ब्लॉक का नेम क्या हो सकता है, ऑल्सो स्टार 100। स्टार 100 वन वाइट के ब्लॉक का भी नहीं हो सकता, टू वाइट के ब्लॉक का भी नहीं हो सकता, और स्टार 100 सिंपली इस कंप्लीट ब्लॉक का भी नेम पॉसिबल है। इस कंप्लीट ब्लॉक का भी नेम क्या हो सकता है, ऑल्सो स्टार 100। लेकिन किस केस में स्टार 100 कितने बाइट्स को रेफर करेगा, या स्टार 100 में 100 आपको फिजिकली कभी डायरेक्टली नहीं मिलेगा, 100 किस फॉर्म में होगा, इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर्स। तो 100 अगर कैरेक्टर पॉइंटर में देन सिंगल वाइट, इंटीजर पॉइंटर में देन 2 बाइट्स, फ्लोट पॉइंटर में देन 4 बाइट्स, क्लियर। 4 बाइट का ब्लॉक क्रिएट हुआ हो गया यूजिंग मैलॉक, देन मैलॉक इस केस में रिटर्न क्या करेगा, बेस एड्रेस ऑफ एलोकेटेड प्लेस। वन मोर थिंग स्पेशली याद रखना, अगर मैलॉक फंक्शन के थ्रू आप मेमोरी स्पेस एलोकेट करा देते हैं इस केस में बाई डिफॉल्ट डिफॉल्ट वैल्यूज क्या हुआ इन प्लेसेस का, ऑलवेज गार्बेज। मोस्ट इंपोर्टेंट केस मैलॉक के रिगार्डिंग, मीन्स मैलॉक फंक्शन के इसमें एलोकेटेड प्लेस का बाय डिफॉल्ट वैल्यूज क्या होता है, ऑलवेज गार्बेज और अननोन वैल्यू। तो इन प्लेसेस पर आप कंसीडर करोगे एज अ गार्बेज
or unknown values. Clear? Next one, malloc इस केस में रिटर्न क्या करेगा? Allocated place का बेस एड्रेस आसान किस में रहा? पॉइंटर में. इस केस में अगर आपने कंसंट्रेट किया हो, मैंने कोई टाइप कास्टिंग प्रोवाइड नहीं किया है, नीडी नहीं थी रीजन, क्योंकि malloc का रिटर्न टाइप क्या है? void star. और इस vp पॉइंटर का भी टाइप क्या है? आल्सो void star. मींस जो रिटर्न टाइप है सेम एज पॉइंटर टाइप, इसलिए असाइनमेंट कैसा है? कॉम्प टेबल. मींस malloc फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है? void star. और vp का भी टाइप क्या है? आल्सो void star. तो असाइनमेंट भी किसमें हो रहा है? आल्सो void star. मींस टाइप सेम थे इसलिए टाइप कास्टिंग नीड नहीं. मींस टाइप कास्टिंग कोई सिंटैक्स का पार्ट नहीं, डिपेंड करेगा आप किस टाइप के पॉइंटर में असाइन कर रहे हो. लेकिन मैंने आपको जेनेरिक पॉइंटर का कांसेप्ट क्या था, जेनेरिक पॉइंटर में एड्रेस किसी भी टाइप का स्टोर करा सकते हो, लेकिन इसके थ्रू बाइट्स को कभी भी डीरेफरेंस करना पॉसिबल नहीं. मींस void पॉइंटर के साथ कभी भी स्टार अप्लाई करना पॉसिबल नहीं. फाइनली vp में असाइन किया जाएगा इनिशियली 100 इस ब्लॉक का बेस एड्रेस. vp सिंपली इस ब्लॉक को पॉइंट करना स्टार्ट करेगा, लेकिन ब्लॉक के अंदर कितने बाइट्स पॉइंट होंगे डजंट मैटर. क्लियर? नेक्स्ट वन, इसके जस्ट बाद अब आपको अगर चेक करना है इसे पर्टिकुलर ब्लॉक एलो सक्सेसफुली एलोकेट हुआ है कि नहीं हुआ है, अगर हीप मेमोरी ऑलरेडी फुल है देन उस केस में इस फंक्शन से रिटर्न क्या हुआ? नल. अदरवाइज एलोकेटेड ब्लॉक का बेस एड्रेस. इसलिए कंडीशन क्या अप्लाई किया, वीपी में करंटली क्या आसान हुआ है? 100. 100 इक्वल नल. नल मीन्स 0. कंडीशन इज फॉल्स. बट सपोज दैट अगर कोई ब्लॉक एलोकेट नहीं हुआ था उस केस में इससे रिटर्न क्या होता? 0. वीपी में क्या आसान होता? 0. 0 इक्वल 0 कंडीशन बिकम्स ट्रू. इस केस में अगर कंडीशन टू होता है डिस्प्ले किया अगर आप इस समय एरर मैसेज मेमोरी इज फुल देन एग्जिट. एग्जिट का जस्ट वर्किंग है टर्मिनेटिंग एग्जीक्यूशन ऑफ करंट प्रोसेस और करंट प्रोग्राम. इस करंटली एक कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स होने के इसमें कंट्रोल कहाँ जाएगा? आउटसाइड इफ. इस केस में चेक करो जस्ट या malloc राइट डाउन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि malloc ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं. मीन्स इस केस में जस्ट देन राइट डाउन किया वीपी void pointer. पर vp आप डायरेक्टली स्पेस पर असाइन करो असाइनमेंट कैसा हुआ? इनवैलिड. रीजन, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर में राइट एंड और लेफ्ट एंड दोनों का टाइप एग्जैक्टली सेम होना चाहिए. यहाँ असाइनमेंट के राइट एंड टाइप क्या है? vp. vp का टाइप क्या है? void star. और cp का टाइप क्या है? char star. इन कॉम्पटेबल टाइप. इस केस में रिक्वायर्ड क्या हुआ? टाइप कास्टिंग. असाइनमेंट किसमें हो रहा है? कैरेक्टर पॉइंटर में, इसलिए टाइप कास्टिंग किसमें होगा? char star. क्लियर? VP के प्लेस पर जस्ट रिप्लेस क्या हो जाएगा? 100. 100 कैरेक्टर पॉइंटर में कन्वर्ट होने के बाद जस्ट कॉपी का हुआ इनसाइड पॉइंटर वेरिएबल CP. तो CP में कैसा हो जाएगा? 100. और CP किस टाइप का पॉइंटर? कैरेक्टर पॉइंटर. तो CP करेंटली कितने बाइट्स पॉइंट करेगा? 100 ऑनवर्ड CP के थ्रू ओनली सिंगल बाइट पॉइंट करना पॉसिबल. तो CP के रिस्पेक्ट में एक और लोकेशन क्या क्रिएट होगा? स्टार CP. तो स्टार CP यहाँ सिंग वन बाइट का नेम होगा, टू बाइट का नेम, ओनली वन वाइट नेम. क्लियर? तो इस लोकेशन का नेम क्या हो जाएगा? स्टार CP. लेकिन करेंटली इन प्लेसेस पर वैल्यूज क्या है? जस्ट गार्बेज वैल्यू. सेकंड केस में आप कॉन्सेंट्रेट करो इस प्लेस पर, मैंने राइट डाउन क्या किया? स्टार CP इक्वल्स टू ए. तो स्टार CP के केस में जस्ट राइट डाउन क्या? स्टार CP इक्वल्स टू ए, कैरेक्टर ए. स्टार CP ऑलरेडी सिंगल वाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस प्लेस का लॉजिकल नेम स्टार CP है, उस प्लेस पर आसान क्या हो? कैरेक्टर ए. वन मोर थिंग, CP की केस में बात करें तो CP में क्या स्टोर है? 100. तो CP के प्लेस पर क्या रिप्लेस कराओ? 100. या CP कैरेक्टर पॉइंटर के थ्रू रिप्लेस हुआ, इसलिए स्टार 100 कितने बाइट्स को रेफर करेगा? ओनली वन बाइट. इस स्टार 100 में आसान क्या हो जाएगा? कैरेक्टर ए. नाउ दिस प्लेस इज इनिशियलाइज्ड बाय कैरेक्टर ए. चेक कर सकते हो मीन्स फर्स्ट टाइम मैं सेम ब्लॉक यूज करूंगा फॉर स्टोरिंग कैरेक्टर, अगेन सेम ब्लॉक एक्सेस करूंगा स्टोरिंग इंटीजर्स, क्योंकि सेम प्लेस पर मैंने आसान क्या कराया? 10, 20. नेक्स्ट टाइम सेम प्लेस पर आसान क्या कराएंगे? फ्लूट. मैंने जस्ट आपको अभी कंपेरिजन प्रोवाइड किया था रिगार्डिंग लैंड और प्लॉट. अगर 100x50 का प्लॉट है देन स्पेस पर आपके लिए किसी भी टाइप का फिजिकल ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल था. सिमिलरली इन दैट केस, एक बार आपने ब्लॉक के फॉर्म में मेमोरी स्पेस एलोकेट कर लिया देन ये ब्लॉक किसी भी पर्पज से यूज करना पॉसिबल है, क्योंकि malloc किसी स्पेशल टाइप के साथ टाइटली कपल्ड नहीं है, इट इज लूजली कपल्ड. देन नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस में राइट डाउन क्या हुआ है? CP ऑफ 1 इक्वल्स टू बी. व्हाट इज मीन बाय CP ऑफ 1 इक्वल्स टू बी? CP के केस में मैं इसको कंपेयर कर इस प्लेस पर सेपरेटली सॉल्व कर रहा हूँ, आप इसको कॉपी कर लेना बाद में. CP ऑफ 1 इक्वल्स टू कैरेक्टर बी. मीन्स इस थिंग को आप कंपेयर करोगे लाइक ए ऑफ आई. जस्ट अभी मैंने बिगिनिंग में आपको एक्सप्लेन किया था ए ऑफ आई का जस्ट कन्वर्ट क्या होता है? स्टार ए प्लस आई. और ए के प्लेस पर क्या है? CP. तो ए के प्लेस पर क्या है? CP. और आई के प्लेस पर क्या है? जस्ट 1 इक्वल्स टू कैरेक्टर बी. देन CP के प्लेस पर क्या रिप्लेस करेंगे? CP का वैल्यू. करंटली CP में 100 स्टोर है
और सीपी किस टाइप का पॉइंटर है, कैरेक्टर पॉइंटर। तो इंक्रीमेंट कितने से होगा, कैरेक्टर पॉइंटर के थ्रू कितने बाइट्स पॉइंट होते, ओनली वन बाइट। तो इंक्रीमेंट भी कितने हुआ, जस्ट वन से। तो 100 प्लस वन बिकम्स स्टार 101 इक्वल्स टू बी। तो बी उस लोकेशन में आसान होगा जिसका मेमोरी एड्रेस 101 है, क्योंकि जिस लोकेशन का एड्रेस 101 होगा उसी लोकेशन का नेम क्या होगा, स्टार 101। इस प्लेस का एड्रेस क्या है, 101। तो इसको अदर नेम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, ऑल्सो स्टार 101। सेम एज इस प्लेस का एड्रेस क्या है, 102। इसका अदर नेम क्या है, स्टार 102। सेम एज स्टार 103। सेम एज इंटीजर के रिस्पेक्ट में जस्ट बात करें तो इंटीजर के रिस्पेक्ट में इन टू बाइट्स का नेम क्या है, स्टार 100। सेम नेक्स्ट टू बाइट का बिगनिंग एड्रेस 102, तो उसको नेम दे सकते हो स्टार 102, लाइक दैट। इसको बाद में हाईलाइट करेंगे, इस द फर्स्ट केस, क्लियर। इसको कॉपी कर लेना, नेक्स्ट वन। तो फाइनली बी किस प्लेस पर आसान होगा, स्टार 101 दैट वन। इस प्लेस पर क्या आसान हो जाएगा, कैरेक्टर बी। नेक्स्ट वन, सेकेंड केस क्या है, अगेन सीपी ऑफ टू इक्वल्स टू सी। नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या, सीपी ऑफ, इसी को मैं क्लियर कर रहा हूं जस्ट, सीपी ऑफ टू इक्वल्स टू सी। सीपी ऑफ टू का मीनिंग क्या है, स्टार सीपी प्लस टू। और सीपी में क्या स्टोर है, सीपी मीन्स कैरेक्टर पॉइंटर, स्टोर क्या है इसमें 100। अगेन क्या है, 100 प्लस टू इक्वल्स टू कैरेक्टर सी। और 100 में 2 से एडिशन कराओ क्या आएगा, स्टार 102 इक्वल्स टू सी। सी किस में आसान हो जाए, स्टार 102 लोकेशन। अगेन स्टार 102 वन वाइट को रेफर कर रहा है या टू बाइट को रेफर करेगा, वन बाइट, क्योंकि किस टाइप के पॉइंटर से रिप्लेस हुआ, कैरेक्टर पॉइंटर से। इसलिए रिप्रेजेंट कितनी बाइट्स हैं, वन बाइट। तो स्टार 102 में क्या आसान हो जाएगा, कैरेक्टर सी। नेक्स्ट वन, थर्ड केस, सी पी ऑफ 3 इक्वल्स टू जस्ट नल। नल किस में आसान हुआ, स्टार सी पी का मीनिंग क्या हुआ, स्टार सी पी प्लस 3। सी पी में क्या है, 100 प्लस 3 इक्वल्स टू नल। नल मीन्स जस्ट जीरो, क्या गया, स्टार 103 इक्वल्स टू जीरो। मीन्स फाइनली लास्ट प्लेस पर स्टार क्या रिप्लेस हुआ, स्टार 103। इसका एड्रेस क्या है, 103। इस लोकेशन का नेम क्या है, स्टार 103। तो इस प्लेस पर आसानी क्या आ जाएगा, कैरेक्टर नल, विच इज इक्वलेंट टू जीरो। मीन्स ए का मीनिंग क्या है, 65, बी का मीनिंग क्या है, 66, 67 एंड जीरो। मीन्स इसको आप करंट केस में कंसिडर कर सकते एज अ स्ट्रिंग ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस में जस्ट मैंने पुट डाउन क्या किया, इस केस में पुट्स फंक्शन में सप्लाई किया सीपी, और सीपी में क्या स्टोर अभी भी 100, सीपी में क्या स्टोर 100। देन पुट्स फंक्शन 100 प्लेस से कैरेक्टर्स को रीड करना स्टार्ट करेगा, प्लस से सीपी फंक्शन 100 ऑनवर्ड्स कैरेक्टर प्रिंट करना स्टार्ट करेगा। लेकिन कैरेक्टर्स प्रिंट कब तक होंगे, जब तक इसको नल नहीं मिल जाता है। दिस द बेसिक थिंग्स ऑफ कैरेक्टर पॉइंटर। मीन सीपी के प्लेस पर क्या पास हो रहा है, इसके 100। इसको आप इस टाइप से भी राइट डाउन कर सकते हो, लाइक दैट प्रिंट एफ परसेंट एस स्लैश एन एंड सी पी। तो सी पी में क्या है 100, इसके साथ प्रिंट एफ फंक्शन 100 से स्ट्रिंग रीड करे, कब तक, जब तक नल नहीं मिल जाता। तो 100 प्लेस पर क्या है, जस्ट ए। देन सेकेंड कैरेक्टर प्रिंट होगा बी, देन सी, इसके बाद क्या नल, देन प्रिंट करना स्टॉप कर दे, कर्सर करना है ऑन द नेक्स्ट लाइन, क्लियर। देन इस कोड को मैं फिनिश कर चुका हूँ, इसलिए इसको क्लियर करो, आप इससे एक बार राइट डाउन कर सकते हो वीडियोज को पॉज करके। नेक्स्ट वन, देन अभी करेंटली मैंने जब मैलॉक के थ्रू मेमोरी स्पेस एलोकेट कराया 4 बाइट्स के, लेकिन इस 4 बाइट के ब्लॉक को किस पर्पज से यूज किया था, जस्ट स्टोरिंग ग्रुप ऑफ कैरेक्टर और सिंपली स्ट्रिंग्स। नेक्स्ट वन, अगेन सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, नेक्स्ट स्टेटमेंट आईपी इक्वल्स टू इंट स्टार वॉइड पॉइंटर वीपी। तो आपको भी जस्ट पता होना चाहिए आईपी का टाइप क्या था, आप जस्ट इसको बैक करके चेक कर सकते हो, आईपी का टाइप क्या है, इंट स्टार मीन्स इंटीजर पॉइंटर। तो सेम वीपी में क्या स्टोर है 100, वीपी में क्या स्टोर है, वीपी मीन्स वॉइड पॉइंटर, वॉइड पॉइंटर में क्या है 100। 100 कन्वर्ट किस में जाएगा, इंटीजर एड्रेस में, देन इंटीजर एड्रेस में कन्वर्ट होने के बाद आसानी किस में होगा, पॉइंटर वेरिएबल आईपी। तो आईपी में भी क्या आसान हो जाएगा, ऑल्सो 100। तो चेक कर सकते हो इस केस में इंटीजर पॉइंटर आईपी भी सेम ब्लॉक को पॉइंट करेगा, डिफरेंट ब्लॉक, ऑल्सो सेम ब्लॉक, लेकिन इंटीजर पॉइंटर के थ्रू किसी भी ब्लॉक के ओनली 2 बाइट्स पॉइंट करना पॉसिबल है। जिस टाइप से कैरेक्टर पॉइंटर सीपी के थ्रू ओनली 1 बाइट पॉइंट हुआ था, इसलिए स्टार सीपी कितने बाइट्स करना है, जस्ट बिगिनिंग 1 बाइट। लेकिन स्टार आईपी कितने बाइट्स करने हैं, वो जस्ट बिगिनिंग 2 बाइट्स। तो इस केस में 100 ऑनवर्ड्स 2 बाइट्स का लॉजिकल नेम क्या हो जाएगा, स्टार आईपी, और विच इज इक्वल टू आईपी ऑफ 0। सेम एज
नेक्स्ट टू वर्ड्स का नेम क्या है, जस्ट ऑलरेडी टू वर्ड्स के रिस्पेक्ट में स्टार 102, अदर नेम क्या बोल सकते हैं इसको एज अ आईपी ऑफ 1 और स्टार आईपी प्लस 1, दोनों मीनिंग कैसे सेम। अगेन इसको कंटिन्यू करें, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या, स्टार आईपी इक्वल्स टू 10, तो इस केस में स्टार आईपी के केस में जिस ब्लॉक का नाम स्टार आईपी है उस ब्लॉक में करेंटली कैश मीन स्टार आईपी मीन ब्लॉक ऑफ टू बाइट्स, मीन इसका इस प्लेस पर ऑलरेडी क्या ए एंड बी, आईपी के प्लेस पर क्या जाएगा 100, लेकिन यहाँ 100 के थ्रू स्टार 100 के थ्रू कितने बाइट डी रिफरेंस होंगे, जस्ट टू बाइट्स। इस स्टार मीन फर्स्ट केस में स्टार 100 कितने बाइट्स का नाम था 1 बाइट का, इन केस ऑफ कैरेक्टर पॉइंटर इंटीजर पॉइंटर केस में स्टार 100 कितने बाइट्स का नाम, जस्ट 2 बाइट्स। जब ये 10 असाइन करोगे तो 10 कितने बाइट्स में असाइन होगा 2 बाइट्स में, मीन बिगिनिंग 2 बाइट्स में, नेक्स्ट टाइम मीन प्रीवियस वैल्यू ए बी रिप्लेस किससे हो जाएंगे वैल्यू एज 10 इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी। सेम है सेकेंड केस में क्या है, आई पी ऑफ 1 इक्वल्स टू 20, अगर आप इसको पॉइंटर्स के फॉर्म में सॉल्व करो इसका कन्वर्जन क्या हुआ, स्टार आई पी प्लस 1 इक्वल्स टू 20, और आई पी में करेंटली क्या है 100 प्लस 1, इसे आई पी इंटीजर टाइप का पॉइंटर है तो इंक्रीमेंट भी किसमें हो रहा है इस केस में इंटीजर पॉइंटर में, कैरेक्टर पॉइंटर में जब 1 से इंक्रीमेंट करा तो इंक्रीमेंट भी कितने से हुआ था 1 से, लेकिन इंटीजर पॉइंटर के केस में जब 1 से इंक्रीमेंट करा तो रियल इंक्रीमेंट कितने से हो 1 से और 2 से, जस्ट 2, तो 100 प्लस 2 बिकम्स स्टार 102। नेक्स्ट टाइम में 20 के किस प्लेस पर आने, जिस प्लेस का लॉजिकल नेम स्टार 102 है, प्लस चेक इसके रिस्पेक्ट में करना है इंटीजर पॉइंटर मीन्स स्टार 102 1 बाइट का नेम है 2 बाइट्स मीन्स दैट 1, इसे स्टार 102 1 बाइट का भी नेम था और स्टार 102 2 बाइट्स का भी नेम, तो नेक्स्ट 2 बाइट्स में क्या आसान हो जाएगा अगेन वैल्यू एज 20, क्लियर। नेक्स्ट वन प्रिंट टाइप के थ्रू डिस्प्ले करा है आई पी ऑफ 0 आई पी ऑफ 1, आई पी ऑफ 0 मीन्स दैट प्लेस, आई पी ऑफ 1 मीन्स दैट प्लेस, नेक्स्ट टाइम क्या प्रिंट हुआ जस्ट 10 स्पेस 20। चेक कर सकते हो फर्स्ट टाइम सेम 4 बाइट में क्या आसान कराया था 4 कैरेक्टर्स, नेक्स्ट टाइम सेम 4 बाइट में एट ए टाइम कितने वैल्यू स्टोर हुए हैं 1 वैल्यू ऑफ 2 वैल्यूज, 2 वैल्यूज, फर्स्ट टाइम सेम प्लेस पर कितने वैल्यू स्टोर हुए थे 4 वैल्यूज, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट केस अब सेम एड्रेस को कॉपी किया वीपी में क्या 100 अगेन 100 टाइप कास्टिंग की जस्ट बाद आसानी के सुन जाएगा फ्लोट पॉइंटर एफ पी अगेन एफ पी में क्या कॉपी हुआ 100, तो एफ पी भी सेम ब्लॉक को पॉइंट करेगा डिफरेंट ब्लॉक ऑल्सो सेम ब्लॉक, लेकिन एफ पी कितने एफ पी का टाइप क्या वॉइस सॉरी फ्लोट पॉइंटर, फ्लोट पॉइंटर एट ए टाइम कितने बाइट्स पॉइंट करेगा 4 बाइट्स, तो यहाँ स्टार एफ पी कितने बाइट्स का नेम हुआ कंप्लीट ब्लॉक का, तो कंप्लीट ब्लॉक का नेम क्या है स्टार एफ पी, तो अगेन स्टार एफ पी किस किस में स्टार 100, लेकिन यहाँ स्टार 100 कितने बाइट्स का नेम है 4 बाइट्स के ब्लॉक्स का, क्लियर। नेक्स्ट वन स्टार एफ पी इक्वल टू 2.5, स्टार एफ पी जिस प्लेस का नेम है उस प्लेस पर आसानी का जाए 2.5 और स्टार एफ पी 4 बाइट्स का नेम है, तो 2.5 कितने बाइट्स में आसान हुआ कंप्लीट 4 बाइट्स के ब्लॉक में आसानी का जाए 2.5 इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी फॉर्मेट, क्लियर। इस 2.5 कंप्लीटली 4 बाइट्स में स्टोर है। नेक्स्ट टाइम डिस्प्ले करा वैल्यू ऑफ स्टार एफ पी, स्टार एफ में कैसे हो रहा है 2.5, डिस्प्ले किया जाए 2.5000 अकॉर्डिंग टू परसेंट एफ फॉर्मेट स्पेसिफायर। नेक्स्ट वन फाइनली इस ब्लॉक को फर्स्ट टाइम आपने सेम ब्लॉक यूज किया है जा फॉर स्टोरिंग 4 कैरेक्टर्स, सेम नेक्स्ट टाइम सेम ब्लॉक यूज किया है जा स्टोरिंग 2 इंटीजर्स, सेम ब्लॉक आपके लिए फ्लोट भी स्टोर कराएंगे यूज करना पॉसिबल, मीन्स मैलॉक का बिग एडवांटेज क्या है, एक बार आपने मैलॉक फंक्शन के थ्रू ब्लॉक के फॉर्म में मेमोरी स्पेस एलोकेट करा लिया देन सेम ब्लॉक आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट पर्पज से यूज करना पॉसिबल है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैलॉक फंक्शन और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। देन अगर आपको फर्दर इसे ब्लॉक की कहीं रिक्वायरमेंट नहीं है देन इसको फ्री कराने के लिए जस्ट यूज किया करो फ्री फंक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया था जब इस केस में मैलॉक के थ्रू एलोकेशन परफॉर्म हुआ तो कहीं ना कहीं इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ने मैनेज क्या किया हुआ हैश टेबल ड्यूरिंग मैलॉक फंक्शन लाइक दैट। स्टार्टिंग मैंने कॉल क्या किया था आप बैक करके चेक कर सकते हो वॉइड पॉइंटर वीपी इक्वल्स टू मैलॉक, मैलॉक में पास क्या हुआ था जस्ट 4, तो मैलॉक के थ्रू जस्ट मेमोरी के अंदर 4 बाइट का ब्लॉक एलोकेट हुआ, इसका बेस एड्रेस क्या 100, तो हैश टेबल के अंदर जस्ट 2 कॉलम्स मैनेज किए थे प्रीवियस वीडियोज में, फर्स्ट कॉलम में क्या स्टोर था बेस एड्रेस ऑफ एलोकेटेड ब्लॉक एंड साइज ऑफ ब्लॉक, तो इसके इसमें जो भी करंटली मैलॉक के थ्रू ब्लॉक एलोकेट हुआ था तो मैलॉक फंक्शन के रिस्पेक्ट टू मैलॉक क्या रिक्वेस्ट टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम ने इस केस में जस्ट रिजर्व क्या किया था गिवन ब्लॉक, इस ब्लॉक का बेस एड्रेस क्या 100, तो एड्रेस की एंट्री क्या हुई 100 और साइज क्या इस ब्लॉक का 4,
दिस द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूरिंग मैलॉक. सिमिलरली जब फ्री फंक्शन कॉल होगा, फ्री में पास क्या हुआ वीपी, और वीपी में क्या स्टोर है करेंटली 100. क्लियर. 100 के रिस्पेक्ट में फ्री का वर्किंग क्या है, रिमूविंग दिस एंट्री फ्रॉम हैश टेबल. मीन्स नेक्स्ट टाइम हैश टेबल से जस्ट एंट्री रिमूव हो जाए. जैसे मीन्स इसका मतलब क्या, जस्ट फ्री इन गिवन ब्लॉक. इस फ्री के रिस्पेक्ट में जस्ट सेम ब्लॉक डी एलोकेट हो चुका है. मीन्स स्पेशली याद रखना, पॉइंटर्स में अभी भी सेम एड्रेस स्टोर है, मेमोरी में अभी भी सेम वैल्यू स्टोर है, लेकिन अब सेम वैल्यू रिजर्व्ड प्लेस पर कंसिडर होंगे और अनरिजर्व्ड प्लेस स्पेशली याद रखना. नाउ दिस ब्लॉक्स अनरिजर्व्ड प्लेस. मीन्स इस केस में पॉइंटर्स के पास अभी भी सेम प्लेस का एड्रेस, लेकिन पॉइंटर्स के पास रिजर्व्ड प्लेस का एड्रेस अनरिजर्व्ड. और जब भी पॉइंटर अनरिजर्व्ड प्लेस को पॉइंट करता है, इस केस में पॉइंटर्स को कंसिडर किया जाता है लॉजिकली एज डैंगलिंग पॉइंटर. नाउ दिस पॉइंटर बिकम्स डैंगलिंग. मीन्स कई बार क्या रहता है आप लोगों में माइंड सेट रहता है, आप लोग विदाउट फ्री मीन्स इसको फ्री के बिना, सॉरी फ्री करने के बाद अगेन एक्सेस करते हो सेम प्लेस, अगर सेम वैल्यू मीन्स अगर आप फिर से डिस्प्ले कराओगे प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ स्टार एफ पी, तो अगेन आपको आउटपुट में क्या मिल जाएगा 2.5. लेकिन 2.5 किसी रिजर्व्ड प्लेस पर स्टोर नहीं, जस्ट अनरिजर्व्ड प्लेस. मीन्स ये वैल्यू किसी भी टाइम अदर वैल्यू से रिप्लेस होने के चांसेस है. क्लियर. स्पेशली मीन्स अगर आप कोई भी मेमोरी स्पेस एलोकेट कर देना, इसको मीनिंगफुली फ्री फंक्शन से भी डी एलोकेट करना चाहिए. वन मोर केस, अगर आप फ्री फंक्शन कॉल नहीं कराते, लॉजिकली इस प्रोग्राम में फिजिकली कोई भी चेंज नहीं होंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी इस प्लेस को एक्सेस कर चुके हो. इसके बाद इस प्लेस के साथ क्या हो रहा है डजंट मैटर. क्लियर. क्योंकि वैसे भी इस स्टेटमेंट के जस्ट बाद प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फिनिश होने वाला. अगर आप फ्री फंक्शन कॉल नहीं करोगे, इस केस में भी ब्लॉक ऑटोमेटिकली फ्री हो जाएगा. लेकिन फिर भी फ्री फंक्शन लॉजिकली राइट डाउन करना कंपल्सरी. रीजन, सपोज दैट दिस इज नॉट अ लास्ट स्टेटमेंट, इस फ्री के बाद अगेन 10,000 मोर स्टेटमेंट्स अवेलेबल हैं, देन इस केस में 10,000 मोर मीन्स रिमेनिंग स्टेटमेंट में अगर आपको ब्लॉक रिक्वायर्ड नहीं है, और अगर आपने फ्री नहीं करा देन फिर भी ब्लॉक लॉजिकली कैसा है रिजर्व्ड. मीन्स अदर पर्पज से आपके लिए एक्सेस करना पॉसिबल नहीं, लेकिन एक बार आपने इसको फ्री करा दिया, रिमेनिंग 10,000 स्टेटमेंट अगेन फिर से सेम ब्लॉक अदर पर्पज से एलोकेट करा के एक्सेस करना पॉसिबल. दिस इज द ब्यूटी ऑफ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, डायनेमिक मेमोरी डी एलोकेशन. क्यों डी एलोकेशन, केस में एनी टाइम डी एलोकेशन कराना पॉसिबल है. स्पेशली याद रखना, अगर आपने किसी प्रोग्राम में फ्री फंक्शन कॉल नहीं किया एट स्टूडेंट लेवल, इस आपका प्रोग्राम मोस्ट ऑफ केसेस में कभी भी अफेक्ट नहीं हुआ, और इसका इंटरनल मीनिंग या इंटरनल इफेक्ट्स आपको कभी विजिबली नहीं होंगे, इसलिए आपको ऐसा लगेगा फ्री मीनिंगलेस है. लेकिन अगर किसी भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अगर आप वर्क कर रहे हैं एज अ डेवलपर, उस केस में अगर आपने फ्री फंक्शन राइट डाउन नहीं किया, उस केस में आपके फायर होने के मोस्ट ऑफ चांसेस होंगे. क्लियर. इसलिए फ्री फंक्शन प्रॉपर प्लेस पर राइट डाउन करना कंपलसरी है. प्रॉपर प्लेस मीन्स जैसे ही आपको लगता है सेम ब्लॉक आप फर्दर कहीं यूज नहीं करना चाहते, इमीडिएटली उस ब्लॉक के लिए ऑलवेज कॉल किया करो फ्री फंक्शन. दिस इज ऑल अबाउट वर्किंग ऑफ मैलॉक फंक्शन. मीन्स मैलॉक के केस में जस्ट बात करें, रिजर्व्ड प्लेसेस के केस में जैसे आपने मैलॉक फंक्शन से ब्लॉक एलोकेट कराया, तो इस ब्लॉक का बाय डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यूज क्या थे, ऑलवेज गार्बेज. सेम एज मैलॉक के अल्टरनेटिव्स के आपके पास कैलॉक फंक्शन. क्लियर. रियलॉक को मैं सेपरेटली डिस्कस करूंगा. कैलॉक फंक्शन, कैलॉक का भी वर्किंग क्या था, ऑलमोस्ट सेम एज मैलॉक फंक्शन. ओनली डिफरेंस क्या है, मैलॉक के केस में ओनली वन आर्गुमेंट पास होता है, जबकि कैलॉक में 2 आर्गुमेंट. मैलॉक के केस में डिफॉल्ट वैल्यूज क्या थे, ऑलवेज गार्बेज, जबकि कैलॉक के केस में बाय डिफॉल्ट वैल्यूज क्या होंगे, ऑलवेज जीरो. दिस इज द बिग डिफरेंस बिटवीन मैलॉक एंड कैलॉक. कैलॉक मैं सेपरेटली नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूँगा, इससे जस्ट पहले कुछ जस्ट बेसिक एग्जांपल्स, मोर एग्जांपल्स प्रोवाइड करें रिगार्डिंग मैलॉक, जो कि आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग केसेस हैं.